सच? कौन है ये दोनों? किसने इन्हें इस तरह से बांध कर रखा है? किया था और उसके बाद वो दोनों लड़कियों को लेकर यहाँ से भाग गया। कौन था वो? आपने देखा उसे? नहीं भाभी, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, बहुत जल्दी में गया था, पर शायद यही उसकी गलती थी। आप क्या ढूंढ रहे हैं युवराज? भाभी, वो आदमी बहुत जल्दी में यहाँ से भाग रहा है, मतलब उसे सबूत मिटाने का कोई वक्त नहीं मिला होगा, तो हमें कोई ना कोई सुराग यहाँ पे जरूर मिलेगा जो हमें उस तक पहुंचा दे। ढूंढिए भाभी। युवराज, ये सारे कपड़े, ये थाली, ये जंजीरें, लगता है बहुत समय तक उन दोनों लड़कियों को यहाँ बांध कर रखा था, लेकिन कौन थी वो लड़कियाँ? पता नहीं भाभी, पर मुझे पूरा यकीन है कि हमें कोई ना कोई सुराग यहाँ पे जरूर मिलेगा। कुछ कुछ भी मिले, फोटो, कोई पेपर, आप ढूंढिए। कुछ भी नहीं है। ये कपड़े कहां से आए? इस पर्ची में लिखा है, ये रहा दुकान का एड्रेस, हमें उस इंसान के बारे में इस दुकान से पता चल सकता है। चलिए। दरवाजा खोलिए, दादी, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? अर्चना, युवराज वीर और पवित्र इस कमरे के अंदर चले गए। हमें बहुत डर लग रहा है क्योंकि आज से पहले इस राज परिवार की बेटियों के सिवाय कोई भी इस कमरे के अंदर गया है वो जिंदा वापस नहीं लौटा। क्या? अंदर से कोई जवाब भी नहीं आ रहा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं युवराज वीर को भगवान ने दंड तो नहीं। अगर वीर अंदर है तो उसे भगवान से नहीं किसी और से खतरा है। प्लीज आप दरवाजा खोलिए दादी, प्लीज दरवाजा खोलिए। हम कब से कोशिश कर रहे हैं, ताला खुल ही नहीं रहा है। अगर ताला नहीं खुल रहा है तो दरवाजा तोड़ देते। गार्ड्स, गार्ड्स, प्लीज ये ताला तोड़िए ना, ताला खोलिए। हम कब से कोशिश कर रहे हैं,
पर चाबी लग ही नहीं रही है। इतना तो थोड़ी है। वीर, वीर कहाँ है आप? वीर, युवराज वीर, वीर, बोलिए ना कहाँ है? युवराज वीर, वीर। आर्ची। वीर, आप दोनों इस कमरे में क्यों आए? इस कमरे में आना वर्जित था। वर्जित है दादी, इसीलिए आया मैं। दादी आप कह रही थी कि इस संदूक में शराब का राज छुपा है, मगर ये संदूक खाली है, इसमें कुछ नहीं है। पन्ना ध्यान से। हाँ राजमाता, इस कमरे की सारी चीजें झूठी है। ऊपर से इस दीवार के पीछे से एक रास्ता निकलता है जहां से अंदर जाके हमें दो लड़कियां मिली, और ऐसा लग रहा था कि बहुत समय से वो वहां रह रही थी। लड़कियां? कौन सी लड़कियां थी? आर्ची, वो हम पता नहीं लगा सके। जैसे ही कमरे में पहुंचे वो दोनों लड़कियां वहां पे बंधी हुई थी, उनके हाथ पैर दोनों बंधे थे। जैसे ही हम उनके पास गए पीछे से किसी ने हम पे हमला किया और उन्हें वहां से भगा कर ले गया। उसका पीछा करने की कोशिश की मगर वो हाथ से निकल गया था। तुम सही कह रही थी आर्ची, इस महल में खुफिया रास्ते हैं जिससे वो इंसान बहुत आसानी से अंदर और बाहर जा रहा है। और इन पर्चियों के जरिए मैं उस इंसान तक पहुंच जाऊंगा। राजमाता, इतनी देर रात फोन किया आपने, बात क्या है? अगर अति शीघ्र हमारी कोई आवश्यकता है तो बताइए, हम अभी आ जाएंगे राजमहल। नहीं नहीं राजगुरु जी, बस एक बात को लेकर बहुत चिंतित थी। यहाँ राजमहल में वो जो कमरा है जिसे कभी नहीं खोला जाता, आज बड़े युवराज ने नियमों का उल्लंघन करके उसे खोलकर अंदर चले गए। वहाँ किसी ने उन पर हमला किया, पर भगवान का लाख लाख शुक्र है उन्हें कुछ नहीं हुआ। यह तो अनर्थ कर दिया बड़े युवराज ने। उन्हें तब कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि अब कुछ नहीं होगा। भगवान पहले ही आदेश दे चुके हैं कि राज परिवार का कोई ना कोई सदस्य हर हफ्ते मरेगा। उन्हें भगवान का क्रोध अपनी तरफ नहीं मोड़ना चाहिए। वैसे अंदर क्या ढूंढने गए थे बड़े युवराज? वो तो पता नहीं, पर उनका कहना था कि उस कक्ष में दो लड़कियां थीं और वो संदूक जिसमें शराब का उपाय था वो भी खाली निकला। संदूक को राज परिवार की किसी बेटी को खोलना चाहिए था, बड़े युवराज को नहीं। इसलिए भगवान ने शराब के उपाय को वहां से हटा दिया, इसलिए संदूक खाली मिला। हे भगवान, ये बड़े युवराज ने क्या कर दिया? राजगुरु जी, अब आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। युवराज को समझाइए, हम आपके मुंह नहीं लगते, अपनी हरकतों पर लगाम नहीं लगाई तो भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे उन्हें।